हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटजी। माई सेल्फ रिया और मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स कराने वाली हूँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपनी मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिकना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बिना देरी के गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला, वो नंबर सिस्टम रहेगा और इसके अंदर हम नंबर सिस्टम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। गाइस, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका इंट्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसका आपको बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है, इसके अंदर हम करने वाले हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी में उनको रखा जाता है, तो ये सभी तरीके हमें इसके अंदर सीखने हैं। और इसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे और ट्रिक्स के साथ अपने सभी रूल्स एंड मेथड को करते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity आर नेचुरल नंबर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं मैथ्स के अंदर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनिटी तक चलते हैं, वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर होंगे, बट हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है? इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 to infinity आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के अंदर हमारा जो था 1 से स्टार्ट होता है और उसी के अंदर अगर हम 0 ऐड कर दें तो वह हमारा होल नंबर बन जाता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये भी इनफाइनिट तक चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। तो देखो, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स चलते हैं और जो हमारा इंटीजर्स होता है इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? देखो, ये मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखाती हूँ, ये इस पर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? यहाँ हमारा ये बीच में होता है 0, इधर हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर और ये हमारे बहुत आगे तक चलते हैं, इधर हमारा होता है पॉजिटिव नंबर, ये भी हमारे आगे तक चलते हैं, ठीक है? तो ये सभी जो नेगेटिव होते हैं, 0 होते हैं और ये पॉजिटिव, ये सभी अगर शामिल हो जाते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। और सिर्फ अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आए जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, वो हमारा बन जाता है नेचुरल नंबर। अगर उसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाए तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपका, नेचुरल और होल नंबर में ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होते हैं, लेकिन जो हमारा इंटीजर्स होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक, उसके अंदर नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। तो देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे जो q हमारा होता है डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे -1/3, 1/5 और 4/3। देखो, -1/3, 1 और 5। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 1 और 5 हमारा रेशनल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी नंबर्स होते हैं ना मैथ्स के अंदर, जैसे 1, 5, इनके डिनोमिनेटर में जो 1 है वो होता ही है, ऐसा हम मान के चलते ही है, ठीक है? तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। और p बाई क्यू में जो q है वो 0 नहीं होता, क्योंकि ये अभी तक मैथ्स में डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? तो उसके अंदर हमारे आ जाते हैं रूट वाले फॉर्म्स, जैसे √3, √5, √7। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, मैं देती हूँ √4 और √9। देखो, ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो भी मैं बताती हूँ आपको। देखो, √4 जो होता है, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमारे इसमें ये 2 जो है ये कॉमन आ जाता है, ठीक है? और मतलब जो रूट है हमारा वो हट जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? रेशनल नंबर बन जाता है। इसी तरह जो हमारा √9 होता है, उसके भी अपने फैक्टर होते हैं, हम इसके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो ये भी हमारा क्या बन जाता है? ये भी हमारा बन जाता है रेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ के चलनी है, क्योंकि अगर आपको इनका डाउट्स क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन निकाल पाओगे। इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। तो देखो, रियल नंबर क्या होता है? सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर दें, सभी इनका मिक्सअप होता है, 3, 0, 3, 3/2, √5, ये सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जिसमें हम p बाई क्यू रूप में लिख सकते हैं,
सकते हैं। और इरेशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते वो हमारे होते हैं। इन सब का अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो वो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो हमारा इवन नंबर होता है, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है हमारा ओड नंबर, ये इसका अपोजिट हो जाएगा इसी तरीके से कि जो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है। 1, 3, 5, 7 ये हमारे सभी ओड नंबर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। देखो इसमें आपको अपना डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। तो यहाँ मैं आपको प्राइम नंबर और यहाँ मैं कंपोजिट नंबर दोनों का डिफरेंस एक ही बार समझा देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डाउट रहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो आपको इसमें बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के अंदर किसी भी नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो दो फैक्टर मिलेंगे आपको, और वो दो फैक्टर होंगे, एक तो वो पूरी तरीके से एक से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा, देन सेल्फ, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के हमारे मोर देन 2 फैक्टर मिलते हैं यानी 3 फैक्टर मिलते हैं, एक तो वो एक से डिवाइड होगा, वो खुद से भी डिवाइड होगा और दूसरा वो अदर नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम पहले प्राइम नंबर का एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 है हमारा। अब देखो 2 हमारा एक से भी डिवाइड हो रहा है और ये हमारा खुद से भी डिवाइड हो रहा है, यानी दो फैक्टर इसके कंप्लीट हुए, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। इसी तरीके से मैं अगर 4 लेके चलती हूँ, अब देखो 4 जो है ये एक से भी डिवाइड हो रहा है, ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है और अदर नंबर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो कंपोजिट नंबर मैंने आपको करा दिया है जिसके हमारे कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, वो कौन सा है, एक तो वो एक से डिवाइड होगा, वो खुद से भी डिवाइड होगा और वो किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा। इसके बाद आता है हमारा को प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो देखो ये कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर दैन वन। कि देखो वो ऐसे एक पेयर होता है नंबर का, ठीक है, और ऐसा पेयर होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, एक होता है, वन होता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसका नहीं होता। मतलब जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या होता है, वन होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ 3 और 2। देखो 3 और 2 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 3 का फैक्टर निकलता है 3 into 1, वहीं 2 का फैक्टर निकलता है 2 into 1, तो इसके अंदर कॉमन पार्ट क्या हुआ, ओनली 1 हुआ, तो 3 और 2 क्या है हमारा, को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो हमारा नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन होगा, यूनिट डिजिट होगा, रिमाइंडर थ्योरम होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, AP एंड GP का होगा, फैक्टर्स होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स होगा और फ्रैक्शंस होंगे। तो हमारा जो ये वीडियो है ये बेसिकली यूनिट डिजिट के ऊपर है, और इससे आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको ये सभी टॉपिक्स आपका नंबर सिस्टम का है ये कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो हम आज यूनिट डिजिट का टॉपिक क्लियर करेंगे और इसके सभी रूल्स को एक एक करके समझते हुए चलेंगे। तो देखो इसके अंदर पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन सबसे आते हैं, एडिशन का भी आता है, सब्ट्रैक्शन का भी आता है, मल्टीप्लीकेशन का आता है, डिविजन का भी आता है, और पावर, जो पावर का क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो हमें पावर वाले जो क्वेश्चन है उन पर बहुत अच्छे से ध्यान लेके चलना है, और मैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, जिस बीच में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई ट्रिक्स जो है वो मैं बताती जाऊंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडिशन। तो हम अपना एडिशन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यूनिट डिजिट होता क्या है। तो यूनिट डिजिट देखो कोई भी नंबर लेती हूँ मैं, मान लो ये 24 है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा वंस कहलाता है, ये हमारा होता है टेंस फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा हमारा और भी होता है 3, ये हमारा 100 की फॉर्म में होता है, और मैं मान लो एक और ले लेती हूँ 1, ये हमारा 1000 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो ये वंस वाला पार्ट है ना यही यूनिट डिजिट कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट हमारा यही होता है, ठीक है। तो हमें एडिशन के अंदर, जैसे हमें ये एडिशन में ये सम दे दिया, तो इस
को हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन जब आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको इसके फर्स्ट जो हमारे यूनिट के जो डिजिट है वो निकालो। इसमें 4 है, इस वाले में हमारा 5 है और इसमें हमारा 0 है। अब इसको ऐड कर लो, 4 + 5 = 9। तो यही हमारा यूनिट डिजिट होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको यूनिट यूनिट के नंबर लेने हैं और उनको ऐड कर देना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं, इसमें 8 है, इसमें 7 है और इसमें हमारा 5 है। तो अब इसको भी ऐड कर दो, 7 और 8 हो जाएगा 15 और 5 20। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, एडिशन में बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन। देखो सब्सट्रैक्शन के अंदर जो हमारा मेन होता है वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो इसके अंदर फिर से यूनिट डिजिट के हम नंबर लेंगे, 7 - 6, ठीक है। इसका हमें लिया 7, इसका हमें लिया 6। तो देखो 7 - 6 कितना हुआ, 1। तो इसका आंसर हमारा हो गया 1, ठीक है। अब हमारा इस टाइप, ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये आपने कर लिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा, अब इसके यूनिट में हमने लिया 2 और इसका यूनिट में हमने लिया 7। अब देखो यहाँ पे तो ये बड़ा नंबर था, इसमें से आपने इजीली माइनस कर दिया तो ये आ गया। लेकिन यहाँ तो हम आगे से कैरी लेके ऐसे माइनस करते थे ना, यानी 12 - 7 करते थे, तब जाके हमारा ये आंसर आता। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है, आप इसको क्या करोगे, 7 - 2 करोगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जब भी आपको नेगेटिव नंबर मिल जाए तो आप उसमें हमेशा +10 कर दोगे, ठीक है। तो 10 - 5 = 5 हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो उसके अंदर आपको +10 कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, 4 - 6 = 1 - 1 = 8 है। तो इसका हम लेंगे 1 और इसका लेंगे हम 8। तो 8 - 1 हो जाएगा -7। अब देखो -7 हुआ तो इसके अंदर +10 करेंगे, 10 - 7 हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका यूनिट डिजिट हमारा यही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको कैसे करना है, देखो सेम इसी में भी यही करना है, आपको यूनिट डिजिट उठानी है, 4 * 5 * 6 * 7। अब देखो इनको सोल्व करो, 4 * 5 = 20 - 6 - 7 = 2। ओके अब देखो, अब इसमें फिर से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 * 0 = 0। तो हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको सिर्फ जो यूनिट है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ये हमारा इजी फॉर्म में था। इसके बाद ये देखते हैं, देखो इसमें भी यूनिट यूनिट को उठा लो, 6 * 1 = 6 * 6, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम इस वाले को देखते हैं, 4 - 7 = 9 - 2। देखो 4 - 7 = 28, 9 - 2 = 18। अब 8 को 8 से करेंगे, 8 + 8 = 64। तो इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया, ठीक है। आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट यूनिट उठानी है, क्योंकि हमें बताना ही यूनिट डिजिट है तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पावर का। अब पावर वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं ये मुझे बताना है। देखो पावर में आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो आते हैं क्वेश्चन विदाउट पावर के और एक आता है विद पावर के क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले विदाउट पावर वाले देख लेते हैं। देखो 12 * 38 है, तो इसमें सेम वही करना है, 8 * 2 = 16, यूनिट उठाया, इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें करना है, 3 - 8 जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था ना, सेम इसी तरीके से करना है। पहले 8 और 3 को कर लो 24 और फिर 24 * 3 कर लो 3, यहाँ से फिर यूनिट डिजिट उठा लो, 3 * 4 = 12, तो 12 का आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाली फॉर्म है, इसमें 2, 3 और 8 ये उठाना है, तो 2 * 3 = 6, 6 * 8 = 48, तो इसका आ जाएगा ये 8 यूनिट डिजिट, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है अगर हमारी चीज़ें पावर के साथ हो तो क्या हो। तो देखो अगर पावर के साथ आती है तो हमारे उसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, बेसिकली 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, ठीक है, बेसिकली हमारे नंबर ये होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर करने वाले हैं 0, 1, 5, 6 का। पहले 0, 1, 5 and 6 के हम अपने रूल्स देखते हैं। देखो अगर 0 हमारा यूनिट डिजिट में हो और उसकी पावर चाहे कोई भी लगी हो, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। अब देखो मान लो 3, 4, 0 है,
इसकी पावर लगी हुई है 386, ठीक है, ये इसकी पावर लगी हुई है। तो इसका जो यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो इसका जीरो ही आएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट में आपके जीरो हो और उसकी पावर चाहे कुछ भी लगी हो तो जीरो ही आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट में वन है और उसकी पावर भी कुछ भी हो तो हमारा आंसर वन आएगा, और अगर फाइव है तो फाइव आएगा, सिक्स है तो सिक्स आएगा। यानी इस तरीके से आपको क्या रूल बनता है कि जीरो, वन, फाइव और सिक्स, जीरो, वन, फाइव, सिक्स, ये चार नंबर ऐसे हैं जो अपनी फॉर्म में चेंज नहीं होते। अगर यूनिट डिजिट में आपको ये चार नंबर मिलते हैं तो उसके आंसर में भी कोई चेंज नहीं होता, उनका आंसर ये सेम ही आते हैं, ठीक है। अब आता है रूल्स फोर एंड नाइन का। देखो फोर एंड नाइन का रूल क्या कहता है, फोर एंड नाइन के रूल जो है दो दो फॉर्म में बढ़ जाते हैं। देखो अगर यूनिट डिजिट में फोर है और उसकी पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो तो उसकी जो आंसर आते हैं वो दो फॉर्म में निकलेंगे। देखो अगर पावर ओड है तो आंसर आएगा फोर, अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा सिक्स, ठीक है। इसी तरीके से नाइन में, अगर नाइन यूनिट डिजिट नाइन है और पावर कोई भी बड़ी हो वो ओड है तो हमारा आंसर नाइन आ जाएगा, अगर वो इवन है तो हमारा आंसर वन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, हम पहले फोर का लेके चलते हैं, मान लो टू फोर थ्री है। अब देखो ये थ्री हमारा ओड नंबर है, ठीक है, तो हमारी इसकी पावर क्या आएगी, फोर आएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यूनिट डिजिट है फोर, थ्री इसको थ्री इस हमने इसका क्यूब कर दिया, फोर फोर फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, तो देखो इसका यूनिट डिजिट फोर ही आया और फोर ही हमारा पहले आंसर था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और यही मैं आपको अगर इवन का लेके दिखाती हूँ, कोई 24 है, यही आप इवन का लेके देख लो, फोर, देखो ये हमारे इवन फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो फोर का स्क्वेयर वैसे क्या होता है, फोर फोर जा सिक्सटीन, और सिक्स आया इसका यूनिट डिजिट, और यहाँ भी आंसर क्या कह रहा है, सिक्स ही कह रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर यूनिट डिजिट में फोर है आंसर और कोई भी पावर हो, अगर वो पावर ओड है तो आंसर आएगा फोर, अगर पावर इवन है तो आंसर आएगा सिक्स। इसी तरीके से नाइन का, देखो अब नाइन का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक मिनट, हाँ तो नाइन का मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लो यहाँ पे 69 है, 69 की पावर है 3 चढ़ गई, ठीक है। तो देखो नाइन को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो क्योंकि यूनिट डिजिट का ही आंसर निकालना है, नाइन नाइन जा 81, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर अगेन नाइन से, तो नाइन वन जा नाइन, नाइन एट जा 72, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आया, नाइन ही आया, और हमारा क्या कह रहा था आंसर कि अगर ओड पावर है तो क्या आएगा, नाइन आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, देखो हमारे नंबर कितने थे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन, ठीक है, ये हमारे नंबर थे। इनमें से हमने ज़ीरो का देख लिया, वन का देख लिया, फाइव का और सिक्स का देख लिया, है ना, और फोर और नाइन का देख लिया। अब हमारे पास बचता है टू, थ्री, सेवन, एट, ठीक है, ये टेन नहीं था, सॉरी गलती से हो गया। तो टू, थ्री, सेवन और एट हमारे पास ये चार बच गया। अब इसके हम रूल्स देखते हैं। देखो अब हमने पहले हम टू का देखते हैं, देखो टू की अगर पावर वन करते हैं तो टू आता है, स्क्वायर करते हैं तो फोर, क्यूब करते हैं तो एट, और फोर करते हैं तो सिक्सटीन, और टू की पावर फाइव होती है तो 32। अब देखो इनके यूनिट डिजिट पे फोकस करो, चार तक तो हमारा टू, फोर, एट, सिक्स, ये हमारे यूनिट डिजिट थे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जब फाइव यानी फिफ्थ फॉर्म जब स्टार्ट हुई, चार के बाद जब पांचवी फॉर्म स्टार्ट हुई तो दोबारा से दो आ गया, यानी कि हर चार के बाद फिर से वही जो लाइन है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से थ्री में है, थ्री में भी थ्री, नाइन, सेवन, वन, और इसके बाद दोबारा से थ्री स्टार्ट हो गया, यही सेवन में है, सेवन, नाइन, थ्री, वन, और फिर से सेवन स्टार्ट हो गया, एट, फोर, टू, सिक्स, और फिर से एट स्टार्ट हो गया, यानी हर चार स्टेप के बाद जो पहली वाली जो हमारी लाइन है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी डिजिट के जो यूनिट में टू, थ्री, सेवन, एट मिले तो अगर पावर वन है तो आंसर आएगा टू, अगर पावर स्क्वायर में है तो आंसर आएगा फोर, अगर पावर क्यूब में है तो आएगा एट, यूनिट डिजिट का बता रही हूँ मैं, और अगर फोर आएगा तो आएगा सिक्स, और अगर पावर फाइव आ गई तो दोबारा से हर चार स्टेप के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर पावर हमें बड़ी दे रखी होगी ना, मान लो टू की पावर अगर मान लो 639 दे दी, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस पावर को हम तोड़ेंगे पहले, इस पावर को छोटे फॉर्म में बनाएंगे इस तरीके से, और वो कैसे बनाएंगे, 639 को हम डिवाइड करेंगे चार से, तो हमारा जो रिमाइंडर में बचेगा वही हमारी पावर बन जाती है, और उस हिसाब से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। आगे समझ में, अब आगे हम क्वेश्चन के तरीके से और भी अच्छे से समझेंगे।
तो इसके बाद हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हमारी जो भी ट्रिक्स हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताती चलूंगी, इसमें भी अब आपका और भी ज़्यादा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर, यहाँ पे ओड है, ठीक है, तो ओड प्राइम नंबर है हमारे जितने, उसका प्रोडक्ट निकालना है हमें और उसके बाद हमें बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो तो पूरे जो प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर में एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ इवन है, तो वो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो है सिर्फ 2। बाकी के सारे जो रेस्ट ऑफ नंबर है वो सभी क्या हैं, ओड हैं, ठीक है, सिर्फ 2 को छोड़ के। हमें सिर्फ ओड नंबर के बताने हैं, तो हमारा ओड नंबर क्या क्या आएगा, तो 2 तो हमें छोड़ ही देना है, तो हमारा बनेगा 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन तक चलेगा। अब हमें सभी का बताना है, तो सभी का तो हम बाद में देखते हैं, पहले अभी इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि देखो जो हमारा 1 से लेके 50 तक यानी 1 to 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, वो आते हैं 50 और 50 to 100 यहाँ तक टोटल प्राइम नंबर आते हैं 10, यानी 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हुए, 25, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई है, ये आप नोट कर लेना, मैंने बताया ना बीच बीच में कुछ कुछ समझाने का अगर अलग से मिलेगा तो मैं आपको बताती चलूँगी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, हमें सभी का बताना है। तो इसके अंदर एक चीज़ और मैं बता दूँ जो कि मुझे मल्टीप्लीकेशन में ही बता देना चाहिए था कि अगर 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगी, वही 5 को अगर किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है, 5 आता है। अब देखो इवन का हम एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पे कोई इवन नंबर लेती हूँ, 4 ही ले लिया, ठीक है, 4 by 4 = 20, देखो 0 आया, इसका यूनिट डिजिट की बात हो रही है ना, तो हम यूनिट डिजिट ही देखेंगे, पूरा नंबर नहीं देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं लेती हूँ 5, 6, ये भी हमारा इवन नंबर है, 5, 6, 30, फिर से 0 आया। वही अगर मैं ओड लेके देखती हूँ, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ओड है, 5, 5 = 25, ठीक है, ऐसे ही आया। तो इस तरीके से हमारी ये फॉर्म क्या होती है कि अगर 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 मिलेगा और अगर ओड नंबर से करोगे तो आंसर 5 मिलेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अब सबसे पहले हम अपने प्राइम नंबर नोट कर लेते हैं, वो भी ओड होने चाहिए, तो 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन तक चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है 5, अब 5 के साथ हमें ओड नंबर है, हमारे पास सारे ही ओड नंबर है, इसमें कहीं भी इवन नंबर नहीं है, तो अगर 5 को हम कितने भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि 5 को अगर किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और अगर उसी को ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 5 आएगा। और वही ये सारे हमें पूछ रखे हैं, ओड प्राइम नंबर पूछ रखा है, तो 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आएगा 5, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। देखो इस बार हमें कोई भी ओल्ड नंबर या फिर इवन नंबर नहीं कह रखा है, इस बार इसने बोला है कि हमें जो यूनिट डिजिट बताना है किसका, सभी प्राइम नंबर है उसके प्रोडक्ट का बताना है, तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अब नोट कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे सभी, ठीक है। अब देखो 2 इसके अंदर शामिल हो जाएगा क्योंकि इसने सभी प्राइम नंबर बोला है, ओड इवन नहीं बताया है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 भी शामिल हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, अब इसका प्रोडक्ट देखो, फिर से वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। देखो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा ये क्या है, इवन नंबर है, तो अगर मैं इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, वैसे तो हमारे पास एक ही इवन नंबर आता है इसमें, तो इस इवन नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगी और 0 को सभी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आता है, तो इसका आंसर हमारा चुटकी में सॉल्व हो गया, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 0 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ उन सब रूल्स को आप लिखते चलो, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या से क्या सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 833 × 856 × 43 n + 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। देखो हमें इसके अंदर n की वैल्यू बतानी है और यूनिट डिजिट भी, ठीक है, तो n जो है ये खुद एक यूनिट डिजिट है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो सभी पहले यूनिट डिजिट हम उनकी उठा लेते हैं, तो इस वाले नंबर की 3 × 6 × n = n + 2, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू बतानी है, तो देखो 6 3 =
18 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू एन प्लस टू। देखो अब हम ऑप्शन को उठा उठा के देखते हैं, यूनिट डिजिट को ही देखना है। देखो एन की जगह दो रख के देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई टू, इस दर हमने एन की जगह फिर से 2 प्लस 2 रखा। देखो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा आंसर वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 8 टू जा 16, इसका क्या हुआ 6 है यूनिट डिजिट, और इधर क्या हुआ 2 प्लस 2 4, क्या ये इक्वल हुए 6 इज इक्वल टू 4, नहीं हुए, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं, 18 इंटू एन था इज इक्वल टू एन प्लस 2 था, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन 3 लेके चलते हैं, देखो इसमें 18 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो 3 8 जा 24, इसका यूनिट डिजिट 4 आया, 3 प्लस 2 आया 6, क्या ये यूनिट डिजिट इक्वल है, यहाँ 4 है ये 6 है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन सी लेके चलते हैं, देखो 18 इंटू एन इज इक्वल टू एन प्लस 2, तो देखो 8 और यहाँ एन की जगह रखा हमने 4, तो 8 4 जा 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एन की जगह रखा 4 प्लस 2, देखो ये इसका यूनिट डिजिट हुआ 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, क्या ये यूनिट डिजिट इक्वल हुए, नहीं है, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। अब हम ऑप्शन डी रख के चलते हैं, 18 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू एन प्लस 2, तो देखो यहाँ पे हमने रखना है 8 इंटू एन की जगह रखा हमने 6, देखो ये 8 मैंने यहाँ यूनिट डिजिट लिया है और यहाँ एन की जगह हमने रखा 6 प्लस 2, देखो 8 6 48 इज इक्वल टू 6 और 2 8, देखो इसकी यूनिट डिजिट 8 आ गई, इसकी भी यूनिट डिजिट 8 आ गई, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 की पावर 46 हमें ये सॉल्व करना है, तो 43 की पावर 46 को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी यूनिट डिजिट उठानी पड़ेगी 3 की पावर 46, ठीक है। तो 46 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, मैंने आपको पीछे कराया था, तो अगर हम इसके 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 4, तो हमारे पास 2 इसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचता है हमारा वही इसकी पावर बन जाती है, तो 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9 इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 63, तो हमारा 4 का मैंने बताया था कि 4 में अगर हमारा ओड नंबर है तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 में अगर पावर जो हमारी इवन हुई तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इस हिसाब से 63 हमारी जो है वो ओड नंबर होगा, तो इसका आंसर 4 ही रहेगा, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 43 की पावर 43 माइनस 28 की पावर 28 है, तो देखो फिर से इसकी यूनिट डिजिट उठाएंगे 3 की पावर 43 माइनस 8 की पावर 28, तो देखो 43 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास 43 4 1 4, और ये 3 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है, तो 3 की पावर आ जाएगी 3। इसी तरीके से अब 28 को जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम वहाँ पे पावर 4 ही लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पावर लूँगी 4, ठीक है। अब 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब हमारा होता है 27, जिसका हम सिर्फ लेंगे यूनिट डिजिट तो 7 है, और इधर 8 का हमारा अगर हम 8 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4096, ये आता है हमारा, ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट हमने ली 6, तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर है 1, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना हमारी वीडियो को। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम का हम सेकंड टॉपिक लेकर आएंगे जो उसका सेकंड पार्ट होगा, और अपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना।